बहुत ही लोग कमेंट करते हैं मेरे से सर कि क्या हम पीसीबी डिज़ाइनिंग में आउटर रूटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके पे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जिसको कि आपको देखते हुए और स्पेशली अगर बात करता हूँ कि एज एन लेआउट डिज़ाइनर एज एन पीसीबी डिज़ाइनर जो आप करोगे जिसके पास 4 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है दे विल नेवर सजेस्ट यू टू वर्क ऑन आउटर रूटिंग क्योंकि आउटर रूटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर लाइक बात कर लेंथ होता है सबसे पहले कि जो आपकी ट्रेस की लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कभी इसके बारे में बात करता हूँ तो ट्रेस एंगल होते हैं आपके ट्रेस एंगल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन डिज़ाइनर एज एन पीसीबी डिज़ाइनर। उसके बाद होते हैं जब आप कंपोनेंट्स को प्लेस करते हो तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिफाइन होती हैं। हो सकता है कि आप आउटर रूटर यूज़ कर रहे हो वो कहीं और से उठा के वायरिंग कर दे आपकी। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज एन क्रॉस टॉक। व्हाट इज अ क्रॉस टॉक की वायरिंग की जो ट्रेसेस ले रखे हो तो दो ट्रेसेस के बीच का कितना डिस्टेंस है कैसे वो चीज़ें राउट हो रही है इसका फैक्टर आता है क्योंकि क्रॉस टॉक की वजह से EMI जनरेट होगा। दैट इज़ अ थर्मल। थर्मल मतलब होता है बेसिक हीट डिसिपेशन कि आपका उस राउटिंग की वजह से कितना ज़्यादा हीट यहाँ पे डिसिपेट होने वाला है। तो बेसिक ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम आउटर रूटर प्रेफर नहीं करते हैं तो उसी के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूँ। और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस ग्लोब यूट्यूब चैनल जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं आपके लिए। एम्बेडेड सिस्टम है पीसीबी डिज़ाइन है इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक एनालॉग सर्किट है डिजिटल सर्किट है नेटवर्क एनालिसिस है किस तरह से सर्किट्स को देखना है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना है इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को लास्ट तक देखना आपको समझ में आएगा। अगर आप पीसीबी डिज़ाइन के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो या इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी डेफिनेटली बोलूंगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू कर। व्हाट इज एन आउटर रूटिंग और आउटर रूटिंग क्यों यूज़ करना चाहिए पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि मैनुअल हमें क्यों करना चाहिए या मोस्ट ऑफ द पर्सन जो सीनियर लेवल पे होते हैं वो हमेशा मैनुअल राउटिंग को ही क्यों प्रेफर करते हैं उसके बारे में मैं 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ये समझेंगे कि आउटर रूटिंग होता क्या और क्यों यूज नहीं करना चाहिए। आउटर रूटिंग जब भी आप पीसीबी डिज़ाइन करते हो स्केमेटिक्स में ये फीचर नहीं होता है बेसिक के पीस जो फीचर होता है वो होता है आपका कहा पीसीबी डिज़ाइन में। तो जब भी आप पीसीबी डिज़ाइन करते हो तो राउटिंग जो राउटिंग का मतलब होता है बेसिक ट्रेस जो ट्रेस होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को ऐड करने के लिए जो हम वहाँ पे वायर यूज़ करते हैं कॉपर के प्रैक्टिकली अगर बात करता हूँ पीसीबी पे तो कॉपर के वायर होंगे वहाँ पे हम जो करते हैं दैट इज़ अ ट्रेस। तो वो ट्रेस क्या होगा उस ट्रेस को ही ऑटोमेट करने के लिए हम आउटर रूटर का यूज़ करते हैं। अगर कंपोनेंट्स बहुत ही कम है 2-4-10 कंपोनेंट्स हैं तो आउटर रूटर सफिशिएंट है बट जब हम बात करते हैं हाई लेवल की तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि उसी की प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आउटर रूटर बेसिक क्या है आपका कि आपने पूरे कंपोनेंट को रख दिया है या कंपोनेंट आपने स्केमेटिक से कन्वर्ट कर लिया सारे फुटप्रिंट आपके मिल चुके हैं आपने एक बटन क्लिक किया आउटर रूटर और वो क्या किया सारे के सारे कंपोनेंट को राउटिंग करके आपको दे दिया मतलब सारे के सारे कनेक्शन आपको करके दे दिया। बट क्या ये सफिशिएंट है क्या इससे पीसीबी प्रॉपरली वर्क करेगा तो एक टाइम के लिए मैं बोल सकता हूं कि हाँ करेगा बट उसके लिए कंडीशन क्या है कंडीशन ये है कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं और किस तरह की सर्किटरी है। अगर नॉर्मल मैं रेजिस्टेंस कैपेसिटर डायोड वगैरह अगर यूज़ कर रहा हूं या कुछ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे सिग्नल्स नहीं है वहाँ पे ये काम कर जाएगा बट फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। बट अनदर साइड अगर मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है तो किस पर्पस के लिए नहीं है तो ये नहीं है आपके बेसिक। जब भी आप सिग्नल्स की बात करोगे आप इंटरफेसिंग की बात करोगे आप इथरनेट फाइव इंटरफेस करोगे आप इंटरफेस करने वाले हो I2C आप इंटरफेस करने वाले हो 4G GSM आप इंटरफेस करने वाले हो सेंसर्स तो जहाँ पे बहुत ही हाई कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स की बात होती है आप यूज़ करने वाले हो DDR RAM तो जब आप हाई स्पीड सिग्नल्स को यूज़ करते हो तो वहाँ पे सिग्नल्स बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफर होते हैं बहुत ही हाई स्पीड में होते हैं। हाई स्पीड सिग्नल का मतलब होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेट द 50 MHz और मोर देन 50 MHz जब सिग्नल ट्रांसफर होता है तो वो हाई स्पीड के कैटेगरी में आता है। यहाँ पे हाई स्पीड पीसीबी डिज़ाइन होती है एग्जांपल के तौर पे आपके पास DDR RAM है रैम इंटरफेस हो गए SD कार्ड इंटरफेस है आपके पास 4G या 5G GSM है इस तरह की चीज़ें आप इंटरफेस करते हो आप LAN इंटरफेस करते हो उसी तरह से फिर आप बहुत सारे कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि रडार सेंसर वगैरह आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे क्या होता है बेसिक ट्रांसफ़र क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है एक सिग्नल सिग्नल इज नथिंग बट जस्ट लेवल ऑफ वोल्टेज या तो 0 होगा या तो 1 होगा हाई या तो लो हाई या तो लो। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज करो आपने आउटर रूटर चला दिया तो बेसिक क्या होगा कि एक पावर के ट्रेस जा रहे हैं समझो ऐसे पावर के ट्रेस जा रहे हैं और आउटर रूटर को थोड़ी पता है कि वो किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो कौन सी IC है क्या आउटर रूटर को थोड़ी पता है। आउटर रूटर का काम क्या है कि स्कीमेटिक्स के अंदर जो आपने नेट यूज़ किया जो आपने कनेक्शंस यूज़ किए हैं ग्राउंड टू ग्राउंड या पावर टू पावर कहाँ पावर देना वो क्या करेगा सारे कनेक्शन को उठा के बस काम कर देगा ठीक है।
तो क्या होगा कि सपोज करो ऐसे आपका सिग्नल जा रहा है और नीचे से आपके आ गए 12 वोल्ट की सप्लाई है, 5 वोल्ट की सप्लाई आ गई, तो सिग्नल्स क्या है बेसिक, सिग्नल्स वोल्ट लेवल ऑफ वोल्टेज है और नीचे से आ गए पावर, तो क्या होगा ट्रेस की विड्थ भी आप आउटर रूटर डिसाइड नहीं करता है कि ट्रेस की विड्थ क्या होने वाली है, तो उसकी वजह से एक जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इस जो पावर की सिग्नल्स है, जो पावर के रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होगी इस सिग्नल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, तो जिसकी वजह से वो सिग्नल्स कुछ भी हो सकता है, मान लो अगर रैम है या इथरनेट है, तो वो क्या करेगा हमेशा उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहेगा क्योंकि आउटर रूटर को ये चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप मेरा समझ चुके होंगे कि आउटर रूटर हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स। तो आउटर रूटर आप समझ चुके हो बेसिक कि आउटर रूटर क्या है। तो आउटर रूटर जहाँ पे आपके छोटे कंपोनेंट्स हैं, बेसिक्स आप सर्किट बना रहे हो, वहाँ पे आप आउटर रूटर यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ पे हम बात करते हैं सिग्नल्स के बारे में, हाई स्पीड सिग्नल्स हैं, जहाँ मेगा हर्ट्स, 50 मेगा हर्ट्स, या बोलो तो 2.4 गीगा हर्ट्स का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। इसीलिए जितने भी आप एक्सपीरियंस वाले PCB डिजाइनर्स मिलोगे जिनके पास 5 या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दे विल नेवर सजेस्ट यू टू यूज़ एन आउटर रूटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रॉब्लम्स के। तो पहला प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज अ ट्रेस लेंथ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में बहुत डेप्थ में कि ट्रेस लेंथ क्या है, ट्रेस लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मिनिमाइज करेंगे ट्रेस लेंथ को। तो पहला हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द ट्रेस लेंथ। ट्रेस लेंथ क्या होता है, तो सपोज करो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है। ठीक है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है, एक कनेक्शन हो सकता है कि मैं यहां से डायरेक्ट, अगर मेरे पास स्पेस है तो ए टू बी मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। अगर मैं ये मैनुअल करूंगा, अगर मैं ऑटो रूटर यूज़ करूंगा, तो सपोज करो ये डायरेक्ट ना जा करके ये कहीं घूम के कहीं से और आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा ट्रेस की लेंथ बढ़ेगी। जब भी हम हाई स्पीड, मैं हाई स्पीड पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मोस्टली हाई स्पीड में देखी जाती हैं और हाई स्पीड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बट हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो हाई, तो अब क्या करेगा आउटर रूटर डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, बट मेरा टारगेट क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि मेरे को लेंथ को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जितना कम लेंथ होगा उतना डेटा फास्ट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, उतना कम टाइम लेगा बेसिक। ठीक है, तो वो चीज़ होती है, जो राइज टाइम होता है ना, जब आप सिग्नल देखोगे तो सिग्नल का जो राइज टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, तो राइज टाइम हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रेस लेंथ हमारा बढ़ना नहीं चाहिए। आप एंटीना यूज़ करोगे, RF वगैरह के डिवाइसेज यूज़ करोगे, तो वहाँ पे लेंथ का एक लिमिटेशन होता है, तो वो बेसिक वो चीज़ें हैं। ठीक है, सेकंड एंगल, ट्रेस एंगल आप बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि 90 डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, नॉट यूजिंग 90 डिग्री इन अ PCB डिज़ाइन और इन अ लेआउट डिज़ाइन। ठीक है, और राउटर राउटिंग, तो राउटिंग वगैरह में क्या होता है, जब आप आउटर रूटर यूज़ करोगे उसे पता नहीं होता है, वो आपको 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी आपको वो देता चला जाएगा, राउट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। क्यों 90 डिग्री यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में हमेशा सिग्नल का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जस्ट इस तरह का शेप, 90 डिग्री मतलब इस तरह का शेप, तो यहाँ से जो सिग्नल आएगा ये क्या करेगा, यहाँ पे एरिया हो गया कंप्लीटली बेंड, और जब बेंड हो गया तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन, कुछ पार्ट को भेजने की कोशिश करेगा, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। जस्ट लाइक आप समझो पानी का पाइप, अगर आप पानी का पाइप को यूज़ करते हो तो आप उसको हल्का सा बेंड करोगे तो पानी क्लियर फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन उसको आप एकदम 90 डिग्री पैसे करके बेंड कर दो तो पानी आगे फ्लो ही नहीं करेगा, पानी यहाँ का यहाँ क्या हुआ, होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर हल्का करोगे तो थोड़ा पानी जाएगा। तो बेसिक वो चीज़ें आप समझ सकते हो कि सिग्नल्स को ट्रैवल करने के लिए 90 डिग्री इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ट्रेस लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज ऑन अगर बात करता हूँ सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला, दैट इज अबाउट ट्रेस एंगल। तो ट्रेस एंगल को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जो आउटर रूटर नहीं करता है। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, कंपोनेंट प्लेसमेंट। कंपोनेंट प्लेसमेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एज एन अ PCB डिज़ाइन इंजीनियर। तो कंपोनेंट प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, अब देखो मैं आगे जो बोलने वाला हूँ भी कंपोनेंट प्लेसमेंट के बाद का जो चौथा पॉइंट आएगा वो। ठीक है, तो कंपोनेंट प्लेसमेंट में क्या हो रहा है बेसिक, तो कंपोनेंट प्लेसमेंट में सपोज करो आपने कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ लगाया, कुछ कहीं और रखा कंपोनेंट, एक PCB का बोर्ड है उसमें आपने कंपोनेंट्स को लगा दिया। आउटर रूटर क्या करेगा काम, कि मान लो कोई इनपुट कनेक्टर है और मेरे को पावर सप्लाई पे के एक कोई मान लो LDO मान लो उसके पिन पे कनेक्ट करना है, ग्राउंड वो भी है, ग्राउंड ये भी है, तो ये क्या करेगा इस ग्राउंड को उठा के यहाँ सीधा कनेक्ट करेगा, ये एक पॉइंट से दूसरा, मतलब जो अगर 20 mm का जो ट्रेस लेंथ है उसको क्या करेगा ये 40 mm, 60 mm, 70 mm, क्योंकि ये कोशिश करेगा कि इस पॉइंट से सीधा उठा के ले जाओ। बट अगर मेरे पास सपोज करो यहाँ पे ही अगर ग्राउंड कनेक्ट करना है और ये सोर्स है, इसके आसपास का जो कंपोनेंट होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर मैं मैनुअल कर रहा हूँ तो इसकी ग्राउंड को मैं यहीं से कनेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ ग्राउंड कनेक्ट कर दूंगा। एक सपोज करो दो कंपोनेंट है, यहाँ से यहाँ ग्राउंड कनेक्ट करना दैट इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट, बट अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कंपोनेंट है तो यहाँ से यहाँ अगर मैं राउट कर दूंगा तो मेरे लिए आसान होगा। तो ये चीज़ें बेसिक इंपॉर्टेंट होती हैं कंपोनेंट प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि कंपोनेंट प्लेसमेंट आप स्केमेटिक देख करते हो कि चलो एक PCB है उसके अंदर एक एरिया मैंने बना दिया, इतना सा एक स्पेस दे दिया दैट इज़ अबाउट द पावर सेक्शन, एक एरिया और दे दिया दैट इज़ अबाउट द इंटरफेसेस, एक एरिया और दे दिया दैट इज़ अबाउट द माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर, एक दे दिया जहाँ पे रैम वैम आप इंटरफेस करोगे, एक दे दिया आपने कनेक्टर का, तो आपने एरिया डिसाइड कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लो चलता रहेगा जब आप मैनुअल करोगे, ऑटोमेटिक करोगे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ
द क्रॉस टॉक। वॉट इज अ क्रॉस टॉक? शायद आपने नाम नहीं सुना होगा अभी तक, बट क्रॉस टॉक क्या होता है? तो क्रॉस टॉक का मतलब होता है बेसिक कि जब आपके सिग्नल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आता है, क्योंकि हर एक सिग्नल के वायर में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, दूसरे जो आपके ट्रेस होते हैं वो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट उस पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस टॉक क्रिएट होता है। इसलिए हमें ट्रेस का विड्थ प्रॉपर मेंटेन करना होता है कि दो ट्रेसेस हैं दोनों के बीच में एक इतना विड्थ होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोक सकता है। ठीक है, बाकी मैं आगे चल करके और भी किसी वीडियो में क्लियर बात करूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कैसे कम करें। तो EMI जो होता है बट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और एक होता है EMC, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। तो उसमें क्या होता है बेसिक, हम रिडक्शन मेथड सीखते हैं कि कैसे रिड्यूस करना है। बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है कि एक तरह का नॉइज है, तो उससे हमें बचाना है। ये होता है सिंपल क्रॉस टॉक कि आपका सिग्नल्स दो ट्रेस के बीच में जो आपके सिग्नल्स को डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, जो चाहे नॉइज हो या पावर सप्लाई हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो, तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं बेसिक क्रॉसटॉक। तो क्रॉसटॉक का भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब आप आउटर रूटिंग यूज़ करोगे तो आप तो जो सॉफ्टवेयर है, जो आउटर राउटर, उसको ये पता नहीं है कि ये सिग्नल है या पावर है, तो वो क्या करेगा, सिग्नल हो या पावर हो सबको एक जगह ही कर देगा। बट जब आप खुद से मैनुअल राउट करोगे तो आप सिग्नल को सेपरेट करोगे, पावर को सेपरेट करोगे, तो आपके सारे सेपरेट सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैनुअल करने का ये फायदा होता है। थर्मल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको फोर्थ पॉइंट में ही बताया था ये चीज़ें कि क्रॉस टॉक कैसे आ रहा है आपके जो आपके वायरिंग है। तो जब आप थर्मल मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो बेसिक होता है हीट। हीट हीट कैसे क्रिएट होता है? हीट होता है पावर सेक्शन से ज़्यादा क्रिएट। तो पावर सेक्शन को हमेशा कोशिश करना है क्या कि सेपरेट करके रखें। पावर सेक्टर के सेक्शन की जो वायरिंग होगी, जो राउटिंग होगी, वो सेपरेट होनी चाहिए। या ऐसा नहीं होगी जो 12 वोल्ट आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है, या डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं, अर्थिंग आ रही हैं, उस वो आपके सिग्नल्स के बीच में से होके जाए, ये आप कभी नहीं चाहोगे। ठीक है, तो बेसिक ये सब रूल्स होते हैं जो 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा आशा करूँगा कि मैं PCB डिज़ाइन इंजीनियर एक्सपीरियंस, मेरे पास भी लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, और जो भी मेरे साथ काम करता है, मेरे टीम में कर रहा है, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आउटर रूटर को अवॉइड करो, गो थ्रू विद द मैनुअल। ठीक है, मैनुअल राउटिंग बहुत टाइम नहीं लगता, मैनुअल राउटिंग राउटिंग में आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरिटी से सीखते हो, समझते हो। बेसिक कहने का ये पर्पस है कि मैनुअल जब आप करोगे तो आपको एक एक ट्रेस का मतलब पता है कि मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, क्या है। ठीक है, जब आप आउटर रूटर करते हो तो आप कुछ नहीं, अपने कंपोनेंट को रख दिया, आपने आउटर रूटर चला दिया, सारे का राउटिंग हो गया, बट आप उसके बेसिक PCB की जो राउटिंग होती है उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आपने सीखा नहीं। ऐसे बहुत सारे और भी रूल्स हैं जो मैंने बेसिक मेजर जो 5 पॉइंट्स को कवर किया है वो इंपॉर्टेंट है, इतना आपको एज अ बिगिनर आना चाहिए। बाकी एडवांस लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि टॉप लेयर पे क्या है, बॉटम लेयर पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोगों का मेरे से डाउट आता है कि सर आप आउटर रूटिंग के बारे में बताओ, तो मैंने आज कोशिश किया कि आपको आउटर रूटर के बारे में समझा दूँ, वाई वी शुड अवॉइड द आउटर रूटर। ठीक है, तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।